सभी को मान सम्मान, किसी भी दुख सुख में रहेंगे उनके साथ हम खड़ा रहेंगे। अपना अपना मुंह है, अपना अपना मुंह से बोलना है, जिसको जो मर्जी आए बोले, जात पात भेदभाव पार्टी जाति सभी से ऊपर उठकर सर्व समाज का सेवा करने का हम काम करेंगे। हम रिकॉर्ड मत से जिताएंगे, रिकॉर्ड मत से। इनकी जीत की कोई जरूरत नहीं है, यह जीत सुनिश्चित हो चुकी है। देखिए हमारे साथ इस वक्त लल्लू मुखिया जी हैं, नॉमिनेशन पर्चा दायर करने जा रहे हैं जिला अधिकारी के समीक्ष, इनसे बातचीत करेंगे। नॉमिनेशन करने तो पहुंच गए, मुद्दे क्या होंगे लल्लू मुखिया जी? हर चीज में मुद्दे आप पूछते हैं, लेकिन मुद्दा है कि विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा और हर गांव को रोड से, सड़क से सभी को जोड़ना और सभी को मान सम्मान, किसी भी दुख सुख में रहेंगे उनके साथ हम खड़ा रहेंगे। अच्छा, जो विरोधी खड़े हो रहे हैं आपके आपके तरफ से, वो कह रहे हैं कि लोग चुनाव में लड़ना चाहते हैं, खुश हो जाएं लड़कर, मगर टक्कर किसी से नहीं है। क्या जो लोग चुनाव में उठना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, वो चुनाव लड़ें मगर टक्कर किसी से नहीं है, वो चुनाव में उठकर खुश हो जाए, ये राजद के प्रत्याशी का? अपना अपना मुंह है, अपना अपना मुंह से बोलना है, जिसको जो मर्जी आए बोले, उनका बोली में हम काहे के लिए किसी तरह का बात बोलने के लिए जाएंगे, वो भरम में रहे। अच्छा, ज्यादातर जो वार्ड सदस्य हैं वो राजद कह रहे हैं कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो राजद के ही ये हैं, तो आप ऐसे में कैसे जीत पाएंगे? किन्हीं का सिंबल पर कोई जीत करके आए हैं क्या? जो भी पंचायती राज का इलेक्शन होता है, किन्हीं का जो पंचायती राज का इलेक्शन होता है उसमें किसी सिंबल पर होता है क्या? किसी पार्टी आधार पर होता है क्या? तो जब पार्टी आधार पर होता ही नहीं है तो कौन किनका है, ये कहाँ से आ गया? इसलिए जात पात भेदभाव पार्टी जाति सभी से ऊपर उठकर सर्व समाज का सेवा करने का हम काम करेंगे। आखिरी सवाल, क्या जीतने के बाद भी लल्लू मुखिया जी निर्दलीय रहेंगे? जिनके बल पर लड़ रहे हैं, जो जिताकर भेज रहे हैं, उनको निर्णय लेना होगा कि हम कहाँ जाएं, क्या करें, निर्दलीय रहें, जो उनका आदेश होगा वो मेरा सिरोधार होगा। देखा, लल्लू मुखिया नॉमिनेशन करने पहुंचे हैं और यहाँ पर भीड़ देख सकते हैं, काफी संख्या में युवा हैं और बुजुर्ग हैं जो लल्लू मुखिया के नॉमिनेशन में पहुंचे हैं, और इन युवाओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लल्लू मुखिया जी के नॉमिनेशन में पहुंचे हैं, कैसे जिताइए? मैं दौलतपुर सिमरी पंचायत से मैं मुखिया हूं। सवाल का जवाब दिया जाए, कैसे जिताइएगा? मेहनत करके जिताएंगे, घर घर जाके भेंट करके जिताएंगे, सब वोटर से भेंट करेंगे, वार्ड में जो जीतल है, मुखिया में जो जीते हैं, सभी से भेंट करके। मैं ने भी अपना प्रत्याशी उठाया है, महागठबंधन ने, ऐसे में निर्दलीय क्या चुनाव जीत पाएंगे लल्लू मुखिया? बिल्कुल जीत पाएंगे, आज जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, बिल्कुल जीत रहे हैं। सर, जितने भी सारे इलेक्टेड मेंबर हैं वो लोग, हम लोग का पूरा समर्थन मिल रहा है और पूरा हम लोग बहुमत से जीत रहे हैं। हम रिकॉर्ड मत से जिताएंगे, रिकॉर्ड मत से। हाँ, निर्दलीय रिकॉर्ड मत से, हम लोग निर्दलीय जिताएंगे, घर घर जाकर दिन रात मेहनत करके। नहीं टक्कर में जिंदाबाद। देख सकते हैं ये जो जोश है, खरोश है, वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। कैसे निर्दलीय जिताइएगा लल्लू मुखिया जी को? राजद ने अपना उम्मीदवार उठाया है, एनडीए ने अपना, ऐसे में निर्दलीय है? निर्दलीय है वो जीतेंगे, और पंचायत जितना 5 सदस्य मुखिया है उनके बल पर चुनाव लड़ रहे हैं। राजद तो कह रही है कि पंचायती समिति जितने भी लोग हैं वो तो राजद के ही हैं, तो हमारी कंट्री उनको कहने से नहीं ना हो जाएगा। राजद को कहने से थोड़ा चुनाव हुआ, कोई पार्टी बेसिस पर चुनाव नहीं होता। सुन लीजिए, कोई भी ये जो चुनाव होता है बिहार में, पंचायती राज जो है, ये कोई पार्टी बेसिस पर चुनाव नहीं होता कि उनके आरजेडी के समर्थित कोई जीते हुए हैं। ये जो एमएलसी का चुनाव होता है, ये जनप्रतिनिधि का चुनाव होता है। तो करेंगे ज्यादा जो जनप्रतिनिधि जीते हैं वो राजद समर्थन नहीं, उनको बोलने से कुछ नहीं होता। ये बिहार राज्य पंचायती अधिनियम जो है, इसके तहत जो चुनाव हो रहा है, इसमें जो स्थानीय निकाय प्राधिकार के लोग जो वोट डालेंगे,
ये कोई पार्टी का सेम्बुल के तहत चुनाव नहीं होता है, उसमें कॉलम भी नहीं है पार्टी का सेम्बुल का भरने के लिए, समझे ना। रणनीति क्या है आप लोग? रणनीति जितने भी लोग जीते हैं वो सब लोग हमारे साथ हैं, आपको सामने दिख रहा है कि ये सभी लोग जो हैं जीते हुए आए हुए वार्ड सदस्य मुखिया और जिला मुखिया वार्ड समिति। हाँ, हम दनरा कटारी के दनरा कटारी के मुखिया हुए हैं, दम खुल के जिसे हर चीज में तैयारी रहते हैं, गरीब के मदद, हर चीज, एक्सीडेंट हुआ था यहीं पे, वहाँ जाके पैसा दिए थे, फिर गरीब के मरनी हरनी में हर चीजें में जखनी हम लोग खोजते हैं। नहीं नहीं, समर्पित नहीं है, नहीं और साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि कोई नहीं है टक्कर में। और एक हुजूम हम अपने कैमरामैन को बोलेंगे कि दिखाया जाए कि तमाम जो लोग हैं वो किस तरीके से यहां पर आए हैं लल्लू मुखिया जी के नॉमिनेशन में। कैसे जिताइएगा लल्लू मुखिया जी को? एक तरफ एनडीए के उम्मीदवार है, एक तरफ महागठबंधन के। करमवीर यादव जो आज विधान पार्षद का मतलब जो मेम्बर हैं, आज जो नॉमिनेशन देने जा रहे हैं, इनकी जीत की कोई जरूरत नहीं है, यह जीत सुनिश्चित हो चुकी है, इसको जिताने की जरूरत नहीं है, जीत चुके हैं, इसमें कोई जरूरत नहीं है। और मोखामा पासनी जिला पार्षद कुमार नमित हिमांशु, मैं दावे के साथ कहता हूँ पूरे लोग साथ, इनके साथ पूरे लोग साथ है। और आप नॉमिनेशन के लिए डीएम के समक्ष जा रहे हैं लल्लू मुखिया। आप देखने वाली बात ये होगी कि तमाम जो समर्थक हैं लल्लू मुखिया के वो साफ लफ्जों में कहते नजर आ रहे हैं कि कोई नहीं है टक्कर में। और इस बार का चुनाव पटना से लल्लू मुखिया जीत चुके हैं डंके की चोट पर, और परिणाम आएगा तो आप भी देख लीजिएगा। खैर, वक्त बताएगा कि किसे कितना आशीर्वाद और मत मिला है। हम पल पल की तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ में वसीम, लाइव सिटी पटना। सभी को मान सम्मान, किसी भी दुख सुख में रहेंगे उनके साथ हम खड़ा रहेंगे। अपना अपना मुंह है, अपना अपना मुंह से बोलना है, जिसको जो मर्जी आए बोले, जात पात भेदभाव पार्टी जाति सभी से ऊपर उठकर सर्व समाज का सेवा करने का हम काम करेंगे। हम रिकॉर्ड मत से जिताएंगे, रिकॉर्ड मत से। इनकी जीत की कोई जरूरत नहीं है, यह जीत सुनिश्चित हो चुकी है। सभी को मान सम्मान, किसी भी दुख सुख में रहेंगे उनके साथ हम खड़ा रहेंगे। अपना अपना मुंह है, अपना अपना मुंह से बोलना है, जिसको जो मर्जी आए बोले, जात पात भेदभाव पार्टी जाति सभी से ऊपर उठकर सर्व समाज का सेवा करने का हम काम करेंगे। हम रिकॉर्ड मत से जिताएंगे, रिकॉर्ड मत से। इनकी जीत की कोई जरूरत नहीं है, यह जीत सुनिश्चित हो चुकी है।